हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बड़े जबरदस्त वली काबिल थे। इनके पास एक आदमी आया, एक शख्स आया और हजरत से कहने लगा, हजरत कर्जे की वजह से बड़ा परेशान हो गया हूँ, कर्जा सर पर है तो इबादत में जी नहीं लगता है और मेरे दिन में 700 दिनार कर्जा है। कितना? 700 दिनार कर्जा है। अगर आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मैं 700 दिनार कर्जा अदा कर लूं, इबादत में मेरा जी लगने लगे और मैं सुकून से इबादत कर सकूं, कर्जे का टेंशन मेरे सर से खत्म हो जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने अपने खजानची को, जो पैसे रखने वाला था खजानची कैशियर, उसको पर्ची में चिट में लिख कर दे दिया 700 की बजाय 60,000 लिख कर दे दिया। कितने लिख कर दिए? 700 की बजाय 7,000 लिख कर दे दिए। अब वो बंदा तो बड़ा खुश, उसे नहीं पता कि कितने लिखे हैं। अब वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की पर्ची को लेकर, चीट को लेकर वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के खजानची के पास जाता है और कहता है कि मेरे दिन में 700 दिनार कर्जा है, अल्लाह के वली ने चीट दी है, जल्दी से जल्दी मुझे 700 दिनार दे दो ताकि मैं कर्जा अदा कर लूं और फारिग हो जाऊं और सुकून के साथ इबादत कर सकूं। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक का जो खजानची था ना, उसने पर्ची खोली, उसने चीट खोली तो उसमें तो 7,000 लिखे हुए थे। कितने लिखे हुए थे? और वो मान कितने रहा था? तो वो सोचने लगा कि हो सकता है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने गलती कर ली हो, भूल से एक जीरो ज्यादा लगा दिया हो, ये तो मांग रहा है 700 और लिखे कितने हैं? 7,000। अब वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से पूछने के लिए गया है कि हजरत मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये चिट्ठी में, ये पर्ची में 7,000 लिखे हुए हैं और ये आदमी 700 मांग रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने उस पर्ची को लिया, उस चिट को लिया, उस पर्ची को लिया और 7,000 को कैंसिल करके 14,000 लिख दिए। कितने कितने लिखे? 14,000। कितने? भाई उर्दू समझते कि फिर इंग्लिश में समझाना पड़ेगा, तो समझते इतना तो समझते, 14 तो समझते हो ना, 14,000 लिख कर दिए। अब उसको तो पता नहीं है मांगने वाले को। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक के खजानची ने 14,000 निकाल कर दे दिए, 14,000 निकाल कर दे दिए। अब वो तो अल्लाह का बंदा जिसके दिल पे 700 दिनार करता था, वो तो बड़ी दुआएं देता हुआ बड़ा खुश होकर चला गया। लेकिन खजानची ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से पूछा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है। फरमाया कि तुमने मेरा काम खराब कर दिया, जब उसने 700 मांगे थे तो मैंने 7,000 दिए, तुम उसी के सामने मुझे पूछने के लिए आ गए, अब 7,000 उसको मिलते तो उसे इतनी खुशी ना होती, फिर मैंने 14,000 दिए तो अल्लाह के वली आपने ऐसा क्यों किया? खजानची पूछता है, अल्लाह के वली आपको ऐसा क्यों करना पड़ा? उसने तो मांगे थे 700, आपने 7,000 ही कर दिए, फिर मैंने आपने आपसे मामले को पूछा, आपसे मामले को क्लियर किया तो आपने 7,000 की बजाय कितने लिखे दिए? 14,000 लिख दिए। फरमाया ऐसा क्यों किया? फरमाया मुझे मेरे नबी की हदीस पहुंची है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी खुशी पहुंचाए जिसकी उसको उम्मीद न हो, जिसकी उसको तवक्कु न हो, उस खुशी पहुंचाने के सदके अल्लाह उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे अकाबिर के अखलाक। अल्लाह